अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त दानिश महमूद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इस्लामिक फ्लेज। दोस्तों, न्यूटन दुनिया का एक मशहूर साइंसदान था। उसके तीन उसूल आज भी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। उससे किसी ने एक दिन पूछा कि आपने सारी दुनिया को मुतासिर किया है, क्या आप भी कभी किसी से मुतासिर हुए हैं? न्यूटन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं अपने मुलाजिम से मुतासिर हुआ हूँ। पूछने वाले ने पूछा, वो कैसे? न्यूटन ने जवाब दिया कि एक दिन सर्दी के मौसम में मैं हीटर के पास बैठा हुआ था, अचानक से मुझे गर्मी महसूस होने लगी। मैंने अपने मुलाजिम को बुलवाया और उसे हीटर धीमा करने की दरख्वास्त की। वो मुलाजिम मुस्कराया और मुझे कहा कि न्यूटन, आप तो बहुत बड़े दिलचस्प इंसान हैं, अगर आपको गर्मी महसूस हुई तो मुझे बुलवाने या हीटर को धीमा करने के बजाय आप अपनी कुर्सी को हीटर से दूर कर लेते, आप अपने इस कुर्सी को हीटर से घसीट लेते तो आपका मसला हल हो जाता। न्यूटन का कहना था कि मेरे मुलाजिम का बताया हुआ ये उसूल मेरे तीनों उसूलों पर भारी था। मेरे मुलाजिम के उस उसूल ने मुझे यह सबक दिया कि अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है तो बजाय किसी से मदद तलब करने या हीटर को धीमा करने के बजाय आप अपनी कुर्सी को उससे दूर कर ले तो आपका मसला हल हो जाएगा। इस उसूल ने मुझे यह सबक दिया कि अगर आप रिज़क की तंगी का शिकार है तो आप ख्वाहिशात की अंगीठी से दूर हो जाए और कनात इख्तियार कर लें तो आपका हर मसला हल हो जाएगा और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूटन का वाक्या आपने सुना। इससे हमें ये सबक मिला कि अगर हम रिज़क की तंगी का शिकार हैं तो हमें कनात इख्तियार करनी चाहिए, हम ख्वाहिशात की अंगीठी से दूर हो जाएं। जब हम ख्वाहिशात की अंगीठी से दूर हो जाएंगे और जो हमारे पास मयसर हो उसी पर कनात इख्तियार कर लेंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।